इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास सिक्स का इंग्लिश बुक का आठवां चैप्टर जिसका नाम है मधुबनी आर्ट, जिसको मधुबनी की कला भी कहते हैं। और आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपका। वीडियो को आप लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार के वीडियोज के लिए। ये PDF अगर आप शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, वेयर आर मधुबनी पेंटिंग्स सीन, मधुबनी पेंटिंग्स कहाँ देखे जाते हैं? उत्तर होगा, मधुबनी पेंटिंग्स आर सीन ऑन वॉल्स, मधुबनी पेंटिंग्स दीवार पर, पेपर्स कागज पर, क्लॉथ्स कपड़े पर, डेकोरेटिव पॉट्स एंड वुड लकड़ियों पर, और सजाए हुए घरों पर, घरा जो मिट्टी का घरा होता है ना बर्तन, उस पर देखे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है दूसरा, व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स यूज्ड फॉर दिस पेंटिंग, इस पेंटिंग के लिए कौन से कच्चे माल का उपयोग किया जाता है? तो उत्तर होगा, द रॉ मटेरियल्स यूज्ड फॉर दिस पेंटिंग्स आर नेचुरल कलर्स, इसमें कच्चे माल जो होता है प्राकृतिक रंगों का उपयोग होता है, मेड फ्रॉम फ्लावर्स जो फूल का बना होता है, अदर नेचुरल मटेरियल्स और भी प्राकृतिक पदार्थ होते हैं, बट फॉर वॉल्स एंड क्लॉथ्स द मटेरियल्स आर फैब्रिक कलर्स, और दीवार और क्लॉथ्स कपड़ों के लिए फैब्रिक कलर्स का उपयोग होता है। अगला है ट्रू और फॉल्स, सही गलत। देखिए, बेस्ड ऑन द स्टोरी राइट ट्रू और फॉल्स नेक्स्ट टू इच सेंटेंसेस गिवन बिलो, करेक्ट द फॉल्स सेंटेंसेस। बोल रहा है कहानी पर जो आधारित है, कहानी के आधार पर आप नीचे दिए गए वाक्य को सही या गलत कीजिए, उसके बाद जो गलत है उसको सही कीजिए, करेक्ट कीजिए। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, बिहार इज फेमस ओनली फॉर मधुबनी पेंटिंग्स, गलत है। बिहार जो है केवल मधुबनी पेंटिंग्स के लिए प्रसिद्ध नहीं है, बिहार और भी कई चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला है, अराउंड 50-60 ईयर्स एगो मधुबनी पेंटिंग्स वेयर यूज फॉर डेकोरेटिंग द हाउस वॉल्स इन द विलेज, ये ट्रू है। द रॉ मटेरियल्स यूज बाय आर्टिस्ट फॉर दियर पेंटिंग्स आर बोथ नेचुरल एंड फैब्रिक कलर्स, ये भी ट्रू है, दोनों कलर यूज करते हैं। ए फ्यू ऑफ द मधुबनी पीपुल डिपेंड ऑन दियर आर्ट फॉर लिविंग, बोल रहा है मधुबनी के बस कम लोग ही इस पर लिविंग अपने जीवन के लिए डिपेंड रहते हैं। नहीं, ए फ्यू नहीं, मधुबनी के बहुत सारे लोग इस पर डिपेंड रहते हैं। ऑल मधुबनी आर्टिस्ट आर ओमेन, सभी मधुबनी आर्टिस्ट ओमेन हैं, तो ये गलत है। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे मैन एंड ओमेन, दोनों है, मैन एंड ओमेन दोनों है। आगे बढ़िए, टिक द आंसर्स टू इच ऑफ द क्वेश्चंस गिवन बिलो, नीचे दिए गए प्रश्नों में सही उत्तर पर सही का निशान टिक लगाइए। ठीक है, चलिए देखिए, द मधुबनी पीपुल कैन नॉट लिव विदाउट पेंटिंग, बिना पेंटिंग के, सॉरी, क्वेश्चन है, मैनी ऑफ द मधुबनी पीपुल डिपेंड ऑन दिस आर्ट फॉर दियर लिविंग मीन्स, मतलब अपने जीवन को जीने के लिए मधुबनी के कई सारे लोग इस पेंटिंग पर, मधुबनी पेंटिंग पर आश्रित रहते हैं। अब ऑप्शन नंबर ए, द मधुबनी पीपुल कैन नॉट लिव विदाउट पेंटिंग, बिना पेंटिंग के वो जी नहीं सकते हैं, ये तो गलत है। द मधुबनी पीपुल पेंट ओनली बिकॉज दे लव डूइंग इट, वो पेंट करते हैं क्योंकि उसे ऐसा करना अच्छा लगता है। द मधुबनी पीपुल सेल दियर पेंटिंग्स टू अर्न मनी, हाँ देखिए, वो जो है अपने पेंटिंग्स को बेचते हैं पैसे कमाने के लिए, ये इसका तीसरा ऑप्शन सी नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, आगे है, सम ऑफ द आर्टिस्ट आर हाउस होल्ड नेम्स इन दियर रीजन्स एंड कंसिडर टू बी एक्सेप्शनल एट द नेशनल फॉर्म्स एज वेल मीन्स, मतलब कुछ आर्टिस्ट जो है हाउस होल्ड, घर में जो चीज़ें होती है उसके नाम से, अलग अलग धर्म के अलग अलग चीज़ों के नाम से ये चीज़ बनाते हैं। तो सम ऑफ आर्टिस्ट आर फेमस ओनली इन दियर रीजन्स, मतलब क्षेत्र, कुछ कलाकार अपने क्षेत्र में पहचाने जाते हैं। सम ऑफ द आर्टिस्ट आर फेमस इन दियर रीजन्स एंड ऑल्सो द नेटिव लेवल, सम ऑफ द आर्टिस्ट आर फेमस इन दियर ऑन हाउसेस, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अपने जगह पर अपने लेवल पर सभी आर्टिस्ट क्या होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं। अगला है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, 50 से ज़्यादा शब्दों में निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर नहीं देना है। ठीक है, देख लेते हैं कौन सा है। अब क्वेश्चन पहला है, देख लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द यूज ऑफ मधुबनी पेंटिंग्स अराउंड 50-60 ईयर्स इज, अब बोल रहा है एगो होगा, एगो बोल रहा है कि मधुबनी पेंटिंग्स का 50-60 साल पहले क्या उपयोग होता था। उत्तर होगा, अराउंड द 50-60 ईयर्स एगो द मधुबनी पेंटिंग्स वेयर यूज टू डेकोरेट हाउस वॉल्स इन द विलेज, गांव में दीवार को सजाने के लिए और घर को सजाने के लिए 50-60 साल पहले मधुबनी पेंटिंग्स का उपयोग होता था।
आगे है व्हाट आर द बेसिस ऑन विच आर्टिस्ट नाउ पेंट मधुबनी, किस आधार पर मधुबनी के कलाकार जो है मधुबनी पेंटिंग का उपयोग करते हैं। तो उत्तर होगा द बेस ऑन विच द आर्टिस्ट डू मधुबनी पेंटिंग्स आर सारीज दुपट्टास रुमाल्स टेबल क्लॉथ्स वुड पॉट्स वॉल इटीसी। मधुबनी पेंटिंग्स के जो कलाकार हैं वो मधुबनी पेंटिंग्स साड़ी दुपट्टा रुमाल्स टेबल कपड़े लकड़ी पॉट वॉल्स ये सारे उपयोग करते हैं, इस पर मतलब पेंटिंग्स करते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ मधुबनी पेंटिंग्स, मधुबनी पेंटिंग्स का थीम क्या है, किस चीज़ का पेंटिंग्स करते हैं। द थीम्स ऑफ मधुबनी पेंटिंग्स आर नेचुरल सीन्स मतलब प्राकृतिक दृश्य ऑफ द विलेज गांव का, फ्लोरा एंड फौना मतलब वनस्पति जंगल, फ्रॉम रीजन रिलीजन्स धर्म का, ये सारे चीज़ वो चित्र के रूप में बनाते हैं पेंट करते हैं। आगे लास्ट प्रश्न है हाउ कैन वन से दैट पीपुल आर इंटरेस्टेड द मधुबनी पेंटिंग्स, मतलब कोई कैसे कह सकता है कि लोग जो है मधुबनी पेंटिंग के प्रति इंटरेस्ट रखते हैं। देखिए मधुबनी पेंटिंग्स आर टूडे डिमांडेड ऑल ओवर द कंट्री, आज जो है मधुबनी पेंटिंग्स पूरे देश में डिमांड किया जाता है एंड इवन इन फॉरिजन कंट्रीज, दूसरे देशों में इसका डिमांड है। मैनी पीपुल अदर देन विलेज आर्टिस्ट आर ऑल्सो टेकिंग कीन इंटरेस्ट टू लर्न हिज आर्ट, आजकल के कई लोग जो होते हैं विलेज आर्टिस्ट ग्रामीण आर्टिस्ट इस चीज़ को सीखने में बहुत ध्यान दे रहे हैं। मैनी ट्रेनिंग सेंटर्स आर कंडक्टिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑल्सो, कई सारे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम हैं, थस वी कैन से दैट पीपुल आर इंटरेस्टेड इन दिस आर्ट, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लोग जो हैं इस कला में क्या कर रहे हैं इंटरेस्ट ले रहे हैं ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने आपको मधुबनी पेंटिंग्स का सारा प्रश्न उत्तर बताया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक करके हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं किसी और वीडियो में।